आज जो ये महापंचायत हुई है, इस महापंचायत में दो मांग खास तौर से किसानों की है कि जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा कर दिया जाए, और वहीं दूसरी मांग है कि एमएसपी को लागू किया जाए, खासतौर से सूरजमुखी की एमएसपी जो तय की गई थी उसी पर इसकी खरीद होनी चाहिए। इसी पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, हमारे साथ तीन मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक बार फिर से हम उसी तरह का किसान आंदोलन देखेंगे या फिर सरकार इसका समाधान निकाल देगी। तो हमारे साथ इस बड़ी चर्चा में जो है तीन मेहमान जुड़ेंगे, मैं उनका पहले तो तारीफ करा देती हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है, प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं अक्षय नरवाल साहब है, किसान नेता है, वो भी जुड़ेंगे। केवल ढींगरा साहब है, प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हम तमाम पार्टियों का यहां पर पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो वहीं किसान नेता से यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हर बार जो सड़क पर किसान होते हैं, क्या बातचीत के जरिए जो है समाधान नहीं निकल सकता है? क्या हर बार नेशनल हाईवे को जाम करना ही एकमात्र यहां पर किसान नेताओं के पास, किसानों के पास जो है विकल्प बच जाता है? तो तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। लेकिन आपको बता दें कि एमएसपी की मांग, जिसकी गारंटी के लिए कानून बनाने की जो बात है, वो जब किसान आंदोलन एक साल के लिए चला था उस वक्त में भी कही गई थी, उसको लेकर के कमेटी का गठन भी किया गया था, लेकिन किसान उससे भी नाराज थे। किसानों का यही कहना था कि कमेटी में जिन सदस्यों को रखा गया है वो सदस्य सिर्फ सरकार की तरफ से हैं, किसानों की तरफ से ऐसा कोई प्रतिनिधि उसमें नहीं है जो हमारी बातों को उनके पास रख सके। तो अब तक इस पर कोई कानून नहीं बन सका है। आपको बता दें कि स्वामीनाथन आयोग जो रिपोर्ट अपनी तरफ से पहले ही दे चुका है, वो 2006 में दे चुका है जब कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस ये भी नहीं कह सकते कि वही सिर्फ किसानों के हित में काम करती है, क्योंकि अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सही थी तो क्यों उनकी तरफ से इसको लागू नहीं किया गया है? वही बात अब बीजेपी पर लागू होती है कि क्यों कमेटी के गठन के बावजूद इतनी देरी लग रही है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी एक यहां पर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यही सबसे बड़ी वजह है। जब एमएसपी पर हमेशा बदलाव होता रहता है, क्योंकि 6400 जो है एमएसपी तय की गई थी सूरजमुखी की, लेकिन उसकी खरीद जो है तकरीबन 4000 पर की जा रही है, और उससे नाराज है किसान, क्योंकि भावांतर भरपाई योजना के तहत भी इसे लिया गया। और चलिए, हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से मैं उनका नाम और उनके बारे में यहां पर बता देती हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब है, प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से, तो वहीं अक्षय नरवाल साहब किसान नेता, केवल ढींगरा साहब है प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से, ये तीनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप तीनों का ही एमएचवाई न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब, आप ही के पास हम आएंगे, क्योंकि जो नारा एक किसानों की तरफ से आज की महापंचायत, आज की महारैली के दौरान लगा है, वो लगा है एमएसपी दिलाओ किसान बचाओ। तो सरकार पर सीधे तौर पर ये एक तंज कि किसानों के हित में काम नहीं हो रहा है, एमएसपी नहीं दिया जा रहा है, और किसानों के ऊपर लाठी से प्रहार, तो किसानों को जेल में भरा जा रहा है। आपके सवाल में कई सारे बिंदु हैं, मुझे उन सब के उत्तर देने का अवसर दीजिएगा किरण जी। पहली बात, किसानों के हित में नहीं है ये सरकार, ऐसा कहने वाले लोगों के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। जो सरकार 70 साल तक जो एमएसपी लागत के साथ नहीं जोड़ा जा सका था, लागत से 1.5 गुना एमएसपी हो, ये पूर्व की किसी भी सरकार ने जिसकी व्यवस्था नहीं की थी, जिस बात की सिफारिश किसान आयोग के अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में की थी, जो सरकार लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने के प्रस्ताव को मंजूरी देती है, उसको लागू करती है, उस सरकार को किसान हितैषी कहेंगे, या उस सरकार या पार्टी को आप किसान हितैषी कहेंगे जो हमसे पहले 10 साल सत्ता में थी, जिसके कार्यकाल में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, सिफारिश आई, और जिसके मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्रियों की उस कमेटी के प्रधान थे जिन्हें कांग्रेस के शासनकाल में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाना था, जिन्होंने दशकों तक ये काम नहीं किया, उनकी तुलना में हम ये गर्व के साथ और दावे के साथ कह सकते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, क्योंकि हमने उस व्यवस्था को लागू किया। जितनी फसलों को कांग्रेस के शासनकाल में एमएसपी पर खरीदा जा रहा था, मैं एमएसपी घोषित करने की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली खरीदा जा रहा था, उससे कहीं अधिक फसलें नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में केंद्र की सरकार और हरियाणा में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक फसलें एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था जिस पार्टी और सरकार ने की है, अगर उसके बारे में
कोई ये कहता है कि वो किसान हितैषी नहीं है, तो निश्चित तौर पर उस आरोप पर सवाल उठेंगे ही। उस आरोप लगाने वाले का खुद का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। जिस सरकार ने हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान के किसानों को पहली बार फिक्स इनकम किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था की हो, वो सरकार किसानों की विरोधी कैसे हो सकती है? और जिन्होंने कभी 1,54 फिक्स इनकम के रूप में नहीं दी हो, वो किसानों के हितैषी हमारी तुलना में कैसे हो सकते हैं? सबसे पहली बात सर, आपने पॉइंट्स रखे। अगर मैं आपको बोलने का मौका दूं तो मुझे पता है आप 1 घंटे से ऊपर ही बोलेंगे। बहुत सरकार ने काम किया है लेकिन किसान फिर भी खुश नहीं है। लेकिन मेरा सवाल सर, आप 70 साल से अब तक क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? अब तो 8 साल से सर आपकी सरकार है, अब तो 8 साल में किसानों को आपसे उम्मीद है, ना कि कांग्रेस से उम्मीद है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस हितैषी तो वो भी नहीं बता रहे हैं कि कांग्रेस ने किसानों का हित किया है, क्योंकि 2006 में ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ चुकी थी। तो उनकी तरफ से आज उम्मीद भरी नजरों से वो आपकी तरफ देख रहे हैं, बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, हरियाणा सरकार की तरफ देख रहे हैं। उनका यही कहना है कि MSP में इसको लाए, गारंटी आप बना दीजिए। सर मैं उत्तर देता हूँ जी। मैंने आपको ये बताया कि हमसे पहले की सरकारें जो नहीं कर रही थी वो श्रेष्ठ काम, बेहतर काम हमने किए हैं, तो हम किसानों के इनकी तुलना में कई गुणा अधिक हित चाहने वाले हैं। श्रेष्ठ काम में अगर बात कर ले तो MSP गारंटी कानून ही बना देते तो वो सबसे बेहतर काम होता, वो तो आपने किया नहीं अब तक। अगर आप सुनिए ना, मैं उत्तर दे रहा हूँ। MSP की गारंटी का कानून बनाने में बहुत सारी जटिलताएं हैं, वो 1 दिन 2 दिन में दूर होने वाली नहीं है। MSP की गारंटी के कानून को लेकर चिंतन मंथन को काम चल रहा है, लेकिन ये तो मान लेना, यहाँ पर कांग्रेस के लोग मान लें, किसानों के कथित प्रतिनिधि मान लें कि हमने ये बेहतर काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गेहूं 2013-14 में वो 1400 रुपए पर खरीदा जा रहा था, 22-23 में 1.5 गुना लागत से, क्योंकि हम MSP देते हैं इसलिए 2125 खरीदा गया। धान 1310 पर थी इनके शासन में, हमने 2040 में पिछले सीजन में खरीदी। MSP पर नरेंद्र मोदी के शासन काल में दालों की खरीद 54 गुना बढ़ी, 54 गुना, 1-2 गुना नहीं। 2009 से 14 के बीच में किरण जी केवल 1.52 लाख मीट्रिक टन दालें खरीदी गई MSP पर, हमने 82.21 लाख मीट्रिक टन 19 से लेकर के 23 के मध्य में खरीदी। इसी तरह तिलहन, उनकी स्थिति भी ऐसी ही है, हमने तिल ज्यादा खरीदे MSP पर, हमने दालें ज्यादा MSP पर खरीदी और हमने MSP लागत से 1.5 गुना दिया। ये श्रेष्ठ काम है कि नहीं सर? सूरजमुखी पे बात क्यों नहीं बन रही है सर? सूरजमुखी पे बात क्यों नहीं बन रही है? वहां कहां दिक्कत आ रही है? जब तिलहन की दालों की खरीद आप MSP और MSP से ऊपर में कर रहे हैं तो सूरजमुखी पे क्यों? आइए सूरजमुखी पर बात करते हैं। सूरजमुखी पर आप हरियाणा को देश के किसी भी राज्य से तुलना कर लीजिए। सूरजमुखी हमारे पड़ोस में पंजाब में 3,700 से लेकर के 4,100-4,200 रुपए प्रति क्विंटल प्राइवेट व्यापारी खरीद रहे हैं, सरकार वहां एक दाना भी नहीं खरीद रही। हरियाणा की सरकार 4,800 रुपए से अधिक प्रति क्विंटल हैफेड के माध्यम से कमर्शियल परचेज कर रही है, और केवल इतना नहीं है, इसके ऊपर आपने कमर्शियल को, आपने किसी व्यापारी को बेचा कि नहीं बेचा, आपका सूरजमुखी घर में रखा है, भले ही सरकार ने इंटरिम रिलीफ के तौर पर 1,000 रुपए प्रति क्विंटल किसान के खाते में डाल भी दी। ठीक है, जिन सरकारों ने ना हमसे पहले एक दाना सूरजमुखी का MSP पर खरीदा या भावांतर भरपाई पर खरीदा, जो आज भी राजस्थान या पंजाब में एक सिंगल दाना नहीं खरीद रहे, वो अच्छे हैं कि हम अच्छे हैं? ठीक है, जो बाजार भाव से ही पूछ लेते हैं। बाजार भाव से 8,000 रुपए फालतू पहले से खरीद रहे हैं, 1,000 रुपए अतिरिक्त उससे भी हम खाते में डाल रहे हैं। ठीक है सर, अक्षय जी आपके पास हम आएंगे, आपने यहाँ पर जी, ठीक है चौहान साहब, अक्षय जी आपके पास आएंगे।
कौन बेहतर सरकार है, क्योंकि राजस्थान पंजाब में तो सूरजमुखी की खरीद हो ही नहीं रही है। यहां पर एटलीस्ट मुख्यमंत्री ने भी सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनोहर लाल जी ने यह कहा कि हम सीधे खाते में डाल रहे हैं पैसा। उन्होंने कहा है कि आप बेचे ना बेचे, आपके पास स्टॉक रखा है, आप प्राइवेट को बेच रहे हैं, चाहे आप हैफेड में जाके बेचे, लेकिन आपके पास वो भावांतर भरपाई का जो 1000 का बोनस है वो पहले ही आपके खाते में यानी कि एडवांस पेमेंट हो रहा है, फिर भी नाराजगी है आपकी। इतना बेहतरीन काम चौहान साहब ने गिनवाया, क्यों अभी भी नाराज हैं? किरण जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि जितना बीजेपी के प्रवक्ता जी को अपनी बात कहने का समय दिया। बिल्कुल सर, आपको भी मौका मिलेगा। जी सर, समय दिया जी सर, जी सर। और दूसरा सबसे बड़ी बात तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा, जो बार बार इंटरिम रिलीफ की बात आदरणीय प्रोफेसर साहब ने भी की और मनोहर लाल खट्टर जी ने भी की, मैं एक बात कहना चाहता हूँ और बड़े दावे के साथ और बड़े मन के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, जितना इंटरिम रिलीफ आप इन किसानों को देने का काम कर रहे हो, उतना किसान आप लोगों को चंदा देने का काम करेंगे, आपकी पार्टी को चंदा देने का काम करेंगे, आप एमएसपी का गारंटी कानून बनाने का काम करो। और जो आंकड़ों की बात आदरणीय प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, कुछ आंकड़ों की तरफ मैं भी आपकी ध्यान चाहूंगा, और जो जहां तक आंकड़ों की बात, आंकड़ों से किसान का पेट नहीं भरने वाला, आंकड़ों से किसान की समस्या का हल नहीं होने वाला, उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ पूरे देश में कितना प्रोक्योरमेंट एमएसपी के ऊपर होता है, जो एमएसपी सीएनसीपी तय करता है, मात्र 6%। मैं बात करना चाहता हूँ जो किसान को दाम 2006 में मिल जाने चाहिए थे, किसान वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद वो 2023 तक नहीं मिले। इन दोनों की कुत्ता बिल्ली की लड़ाई में किसान हमेशा पीछे रहा। दूसरी मैं सबसे बड़ी भी बात कहना चाहता हूँ, अगर आज तक आप जितनी 23 फसलों के ऊपर एमएसपी दे पाई है ये सारी सरकारें, आज तक आप सारी फसलों का एमएसपी जो कमी पेशी रही है उसको आप मिला लेंगे, तो आज भी सरकारों को 45 लाख करोड़ रुपए किसानों को देना पड़ता है, जो 2006 में किसानों को मिलना चाहिए था, और 2023 तक अगर हम जोड़ दें। एक बात, 45 लाख करोड़ किरण जी बहुत बड़ा फिगर होता है जो किसानों का इन सरकारों के ऊपर आज भी बकाया। दूसरी बात देखिए, किसान आंदोलन किस मुद्दे के ऊपर चला सर, ये 45 करोड़ का आंकड़ा आपने किस आधार पे बताया अक्षय जी? देखिए आप देखिए इस चीज को, 2006 में एक रिपोर्ट आती है, 2006 में वो रिपोर्ट ये बात कहती है कि किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए और वो एमएसपी किस फॉर्मूले के ऊपर मिलना चाहिए, वो चीज को 50% है। माननीय से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बड़े आदरणीय है, वो बीच में ना बोले, मैं भी चौहान साहब जी आपको बोलने का मौका दिया गया था, अक्षय जी को मौका दीजिए बोलने का। जी जी, 2006 में जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को वो रिपोर्ट ये कहती है कि इन फसलों के दाम सीटू प्लस 50 के हिसाब से किसानों को 2006 में मिल जाने चाहिए थे, लेकिन वो 2023 तक नहीं मिले। मैं पूछना चाहता हूँ, जो पैसा किसानों को मिलना चाहिए था वो किसकी जेब में गया, उन सरकारों ने कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया? तो वो पैसा 45 लाख करोड़ हमारी फिगर बनके 45 लाख करोड़ इन सरकारों को किसानों को देना पड़ता। ये इंटरिम रिलीफ की बात करें, ये 2000 रुपए सम्मान निधि की बात करें, ऊंट मिट्टे मुंह में जीने वाली बात करें, प्रधानमंत्री जी कहते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ओम प्रकाश धनखड़ जी इनके प्रदेश अध्यक्ष है, कुर्ते उतार के प्रदर्शित करते हैं, आज वो क्यों नहीं एमएसपी की बात करें? आज जिस एमएसपी के लिए किसान लाठी खाने का काम करा, आज कहाँ चला गया वो एमएसपी? मैं पूछना चाहता हूँ, 3500 पर किसान मजबूर है तो उसे क्यों उसका एमएसपी है? आदरणीय बीजेपी के लोगों आप बताओ, आप महानुभाव आप बताओ, कहाँ चला गया एमएसपी, कहाँ वो एमएसपी जो जी ठीक है प्रधानमंत्री आपके मन लोग कर रहे थे, कहाँ एमएसपी? ठीक है अक्षय जी, इस सवाल का जवाब हम लेंगे एमएसपी को लेकर के, क्योंकि मुख्य मांग जो है किसानों की आज यही है कि एमएसपी को गारंटी कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सीधे केवल ढींगरा साहब का यहाँ रुक कर लेते हैं। केवल ढींगरा साहब, क्या किसानों के इस प्रदर्शन को कांग्रेस का सपोर्ट है? जी जी बिल्कुल, देखिए किसानों के साथ हम कांग्रेस खड़ी भी है, और जो सवाल था, सवाल जो है ना आज एमएसपी का है, बिल्कुल बिल्कुल की गारंटी का है। एमएसपी जो है वो मार्केट में फसल खरीदने पर किसान को पहले मजबूर कर दिया, सूरजमुखी की फसल की जो खरीद थी वो उसको ये एक भावंतर चीज ले आए, भावंतर का मतलब है भाव का अंतर। और जो जो सवाल था, सवाल ये था कि
जो फसल जो मार्केट में है वो 4000 रुपए की है सूरजमुखी की, और उसके अंदर भाव अंतर का जो रेट जो सरकार दे रही है वो सिर्फ 1000 रुपए दे रही है, तो वो हो गया मिलकर 5000 रुपए। लेकिन जो एमएसपी है उसकी वो 6400 रुपए है, तो जो 1400 रुपए का किसान को घाटा हो रहा है वो भाजपा की सरकार सीधे शब्दों में घाटा दे रही है किसान को, इसलिए किसान सड़कों के ऊपर। सर, इस घाटे के पीछे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती रह गई है? जब 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई उस वक्त, या उसके एक दो साल के बाद भी लागू कर देते तो शायद आज ये समस्या नहीं आती? नहीं, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट अलग है और एमएसपी अलग है। एमएसपी होते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है एमएसपी, और स्वामीनाथन जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का 1.5 गुना या 2 गुना कॉस्ट वो अलग मामला है। अब जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसकी बात कर रहे हैं हम। पहले मैं ये पूछ रहा हूं इनसे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सूरजमुखी पे 64 रुपए सरकार की फिक्स है, उस 64 रुपए पे सरकार को मार्केट में वो बेचता है तो वो 4000 रुपए रेट है करीबन, और 1000 रुपए ये भाव अंतर के अमाउंट दे रहे हैं तो 5000 हो गया, 1400 रुपए घाटा क्यों हो रहा है सरकार जो किसान को? वो ये कर रही है सरकार, ये सरकार जो है 1400 रुपए घाटे पे किसान को फसल खरीदने बेचने पे मजबूर कर रही है, इस वजह से किसान सड़कों पर है। ठीक है, जहां तक है दूसरी बात जो आप मेरे से पूछ रहे हैं स्वामीनाथन, वो है कॉस्ट प्राइस प्लस डबल। स्वामीनाथन ने एक रिपोर्ट दी थी, वो थी कि जो कॉस्ट प्राइस आती है, जो जो फसलों की कॉस्ट प्राइस आती है उसका डबल देंगे। ये हमारे टाइम पे जरूर 2006 में हुई थी, लेकिन हम कॉस्ट प्राइस डबल नहीं दे पाए, इसीलिए तो इनकी सरकार आई। और इन लोगों की जो सरकार आई क्योंकि किसानों को ये चौहान सर सीधे मान लिया केवल जिला सामने कि हाँ हम नहीं दे पाए, इसलिए तो आपकी सरकार आई। 8 साल आप नहीं दे पा रहे हैं, तो अंतर क्या रहा कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार में? मैं उत्तर देता हूँ। आप हमारे ऊपर तो आक्षेप लगाए दीजिए, देखिए 2014 में जो मोदी जी ने वायदा किया था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, क्या इन्होंने लागू कर दी 10 साल के अंदर? जी की ना किरण जी, ठीक है, बात कर रहा हूँ। ठीक है ढींगरा साहब, हाँ जवाब ले लेते हैं। एक मिनट मैं फसलों का रेट भी बताता हूँ। हमारे टाइम पे गेहूं जो था हरियाणा के अंदर जो पैदा होता था वो हम हर साल 12.6% ईयरली इंक्रीज करके किसानों को रेट देते थे। इन्होंने कितना दिया है 2 साल के अंदर? चौहान साहब उनको बोलने दीजिए। जी जी ढींगरा साहब खत्म करिए, सुनिए, इनका आकलन करें तो वो कम होकर 4% है। हम 12.6% पे एमएसपी इंक्रीज करते थे ईयरली गेहूं पे, ये करते हैं 4% पे ईयरली गेहूं पे एमएसपी इंक्रीज। ठीक है सर, आपने डाटा रखा, जवाब ले लेते हैं सर, वक्त की कमी है सर। फिर सुनिए, धान के ऊपर हम 14.3% इंक्रीज करते हैं हर साल, और ये 9 साल के अंदर 6% पे इंक्रीज करते हैं, तो झूठे ये है। ठीक है सर, वक्त की कमी है चौहान साहब, आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, चौहान साहब जवाब दीजिए। गन्ने में भी सुन लीजिए। नहीं जी, ठीक है सर, आपका डाटा, हाँ गन्ने में भी सुनिए। गन्ने सर 112 साहब, ढींगरा साहब आप ही के सवाल का जवाब, जो मेन सवाल है उसका जवाब नहीं ले पाएंगे? ऐसे बात बनेगी क्या? ये कोई तरीका है क्या डिबेट करने का? ये एक रट लगाए हुए हैं, आपने 4 बार मुझे आने के लिए बोल दिया, ये बोलते जाएंगे तो कोई लाभ है बताइए? ठीक है ढींगरा साहब, जवाब ले लेते हैं। ठीक है चौहान साहब, अपनी बात रखिए आप। मैं तब बोलूंगा जब ये बोलना बंद कर दे। जी सर, वक्त की कमी है सर, प्लीज बात रख लेने दीजिए। जो अक्षय सर बैठे हुए हैं, अक्षय जी बैठे हैं, उनको जवाब नहीं मिलेगा। चौहान साहब अपनी बात रखिए सर, आप अपनी बात रखिए। इनको रोक दीजिए, मैं तब बोलना शुरू, इनको रोक दीजिए। सर आप तो स्पोक्स पर्सन है, आपको तो आदत होनी चाहिए बातों पे अपनी बात को रखने का, प्लीज बोल दीजिए अपनी बात। मैं नहीं चाहता कि मेरी बात के बीच में कोई बोले, दिस इज नॉट द वे। मैं इनकी बारे में बोलना नहीं, मैंने चुपचाप सुना है, ये बदतमीजी है जो ये कर रहे हैं, इनको रोकना पड़ेगा। यानी ये गलत नहीं है जो अक्षय जी ने सीधे तौर पे कहा कि दो राजनीतिक पार्टियों के बीच में किसान पिस करके रह जाते हैं कि उनको अपने सवाल का जवाब तक नहीं मिल पाता है? वक्त की कमी है ढींगरा साहब, मैं समझ गई। चौहान साहब, ढींगरा साहब, क्या बदतमीजी करने का लाइसेंस दे रखा आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को? झूठ सर, किसी
को भी बदसलूकी करने का लाइसेंस एमएचवन न्यूज के इस मंच पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। अब ये अलग बात है, ये उनका भी अधिकार है बोलते रहना, और आप भी ठीक है, ठीक है ढींगरा साहब, ठीक है ढींगरा साहब, जवाब आप लेने दे ही नहीं रहे। इन्होंने कितना बढ़ाया, 60 रुपए गन्ने का रेट। चौहान साहब आप अपनी बात रख लीजिए जल्दी से, आप इनको चुप करा लीजिए प्लीज, मेरे पास हर चीज। चलिए यहाँ पर वक्त की कमी है, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया एमएचवन न्यूज से जुड़ने के लिए, लेकिन ये डिबेट, ये चर्चा जो है वो आधी अधूरी रह गई, क्योंकि ठीक ही नक्शे जी जो है वो, या किसान जो है वो सही सोचते हैं कि दो राजनीतिक दलों के बीच में जो है किसान वो पिस करके रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनको इसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो सड़कों पर पहुंच जाते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए अपने हकों को लेकर के। तो एमएसपी पर क्या अब गारंटी कानून, एक एमएसपी का होना चाहिए जिसको लेकर के सरकार हमेशा बदलाव कर देती है, ये सबसे बड़ा सवाल है, और देखना यह है कि अब इसका समाधान किस तरह से निकलता है, क्योंकि आगे की रणनीति महापंचायत में तय कर ली गई है कि जब तक एमएसपी लागू नहीं होती है तब तक ये प्रदर्शन जो है वो चलता रहेगा।